अभी एक क्वेश्चन है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू क्लोरीन एटम फॉर टू हाइड्रोजन एटम इन द प्रोपेन, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल, कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, यानी प्रोपेन है हमारे पास, प्रोपेन का हम हेलोजनेशन कराएंगे, डाई हेलोजनेशन। कहने का मतलब, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमारे पास प्रोपेन है, ठीक है, यही हमारा प्रोपेन है, ये हमारा प्रोपेन है, ठीक है, इसका हम लोग कराना है हेलोजनेशन। क्या कराना है? डाई हेलोजनेशन कराना है, डाई हेलोजनेशन कराना है। डाई हेलोजनेशन का मतलब हुआ कि दो हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कराएंगे हेलोजन से, ठीक है। डाई हेलोजनेशन कराने का मतलब हुआ कि प्रोपेन में दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कितने तरीके से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें तो बहुत हाइड्रोजन है ना, 3, 3, 6, 2, 8 हाइड्रोजन है, 8 में से सिर्फ दो को ही सब्स्टिट्यूट करना है, 8 हाइड्रोजन है प्रोपेन में, इसमें सिर्फ दो को ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो कितने तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दो हाइड्रोजन एटम को, किससे सब्स्टिट्यूट करना है, हेलोजन से, ठीक है। यहाँ पर हेलोजन के बदले यहाँ पर क्या दिया हुआ, क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करना है, दो हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करना है। तो कितने तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वही तो उसका ना स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, वो सारा आइसोमर का हम लोग नाम लिखेंगे। सबसे पहला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये दोनों का दोनों जो है एक ही कार्बन पर दे देंगे, पहला ये होगा, पहला ये पॉसिबल है, ये पहला पॉसिबल है, फर्स्ट आइसोमर ये पॉसिबल है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, जब ये दोनों को दो जगह पर दे, एक जगह पर नहीं देंगे, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया कि एक ही कार्बन पर दोनों जोड़ दिए तो जेम डाइहैलाइड्स बन गए, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ये बन गया। अब जो है दोनों को अलग अलग कार्बन पर देंगे, एक को इसी पर आने दिया, दूसरे को इस पर जाएगा, तो दूसरा ये हो गया, दोनों को अलग अलग कार्बन पर ले लिए, ठीक है। फिर और दो लेंगे, और एक है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दोनों ही टर्मिनल कार्बन पर ले लें, एक इधर सीएल और एक इधर ले लेते हैं, तीसरा पॉसिबिलिटी ये है। तो तीन आइसोमर लिखा गया, डाइक्लोरो प्रोपेन का तीन हो गया, ठीक है, तीन आइसोमर लिखा गया। चौथा पॉसिबिलिटी जरा देख लेते हैं, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन, वो दोनों ही किनारे वाले कार्बन पर हेलोजन दे दिए, इसमें अगल बगल वाले में दे दिए, इसमें दोनों किनारे में दे दिए, और इसमें एक ही पर दोनों दे दिए हैं। चौथा पॉसिबिलिटी है कि बीच वाला पे दोनों को हम साथ में दे दें, तीसरा पॉसिबिलिटी, चौथा पॉसिबिलिटी है, यानी टोटल कितना आइसोमर बनेगा, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर, कितना बनेगा, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर, चौथा ये संभव है डायहेलोजन में। सो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर से आप पॉसिबल, तो यहां पर क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल, सो देयर आर 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर व्हिच इज पॉसिबल हियर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द 2 हाइड्रोजन एटम इन प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन में हमको डायहैलोजनेशन कराएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कराएंगे, तो 4 आइसोमर बनेगा, उस चारों आइसोमर का नाम हमने आपको बता दिया, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन है,
ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C5H11Br, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जितना भी आइसोमर पॉसिबल है उसको लिखना है। तो कितना आइसोमर पॉसिबल है? 8 आइसोमर्स इसका बनेगा। 8 आइसोमर्स जो इसका बनेगा वो सारे 8 आइसोमर्स का स्ट्रक्चर लिखना है, उसका IUPAC नेम देना है और उसको क्लासीफाई भी करना है। हम लोग लिखते जाएंगे और IUPAC नेम, क्लासिफिकेशन सब कुछ साथ में चलता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो एक स्ट्रेट चेन बना देंगे 5 कार्बन का और उसमें अकॉर्डिंगली सब कुछ भर देंगे। तो 5 कार्बन चेन पहले बना लेते हैं, सबसे सिंपल तो वही है आएगा। तो इसके आंसर में पहला चीज़ क्या आएगा कि पहले जो है 5 कार्बन का बना लेते हैं, रिंग 1 2 3 4 5 हो गया। अब इस कार्बन पर हम Br दे देते हैं पहला पर, और बाकी जगह सब जगह जो है हाइड्रोजन रख देते हैं, ठीक है, सभी जगह हाइड्रोजन। इसका 8 आइसोमर पॉसिबल है, 1 आइसोमर ये जो है पहला हुआ, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, पहला कार्बन पर ब्रोमीन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन है, फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन है, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन हुआ, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए पेंट ANE 1 ब्रोमो पेंटेन हुआ। अब कहता है कि इसको क्लासीफाई कीजिए कि किस तरह का ये अल्काइल हैलाइड है, किस तरह का यह हेलो एल्केन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको हम लोग देखते हैं कि उसका नेचर क्या है। तो इस कार्बन से जो है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये जो है कार्बन क्या है, 1 डिग्री है, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी हेलो एल्केन या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोल सकते हो। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्लासिफिकेशन क्या हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन होगा, यानी इसका क्लास क्या हुआ, इट विल बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी हेलो एल्केन, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 लिखते हैं, 2 में क्या करेंगे, इसके पोजीशन को बदल देंगे, और क्या 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। अब पहले इसमें लिए थे Br, अगली बार से इस पोजीशन पर दे देते हैं Br, बाकी जगह को भर देंगे हाइड्रोजन से, ठीक है। ठीक है अब इसका नाम क्या होगा, अब इधर से जो है सेकंड कार्बन पर आ रहा है, तो हम 1 2 3 4 5 अभी भी पेंटेन ही है, लेकिन ब्रोमीन कहाँ पर आ रहा है, सेकंड कार्बन पर, 1 2 सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन आ रहा है, 1 2 तो सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन आया, इसके ये हो गया 2 ब्रोमो, ये क्या हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन, ये हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, क्योंकि सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन है। अब ये किस क्लास, इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, क्लासिफाई क्या करना है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसका नेचर क्या है, तो ये है फंक्शनल ग्रुप, उससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका नेचर क्या है। अब देखो इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा हुआ, ये कार्बन भी जुड़ा, ये कार्बन 1 2 ये दोनों जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, उस कार्बन से जब 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन, क्या हो गया सेकेंडरी कार्बन, इसलिए हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये क्या हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्लासिफिकेशन क्या हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के जगह आप हेलो एल्केन भी लिख सकते हो, हेलो एल्केन,
सेकेंडरी हेलोइलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिखो या सेकेंडरी हेलो एल्केन, अल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद तीसरे केस में फिर पोजीशन बदल देते हैं, तीसरा नंबर लिखते हैं, फिर पांच कार्बन देंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच यहाँ पर दे देते हैं ब्रोमीन, फिर पोजीशन बदल दिए हम लोग, अभी तक क्या लिख रहे हैं पोजिशनल आइसोमर लिख रहे हैं, सब जगह हाइड्रोजन भर देंगे, सब जगह हाइड्रोजन भर देते हैं, ठीक है। ये जो तीनों हम लोग लिखे अभी तक, तीनों क्या है पोजिशनल आइसोमर को मेरे को शो कर रहा है, ये तीनों आप तीनों का चेन सेम है, सबका स्ट्रेट चेन है तीनों का, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन समय बदल रहा है, इसमें फर्स्ट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सेकंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, इसमें थर्ड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, तीनों क्या कर रहा है पोजिशनल आइसोमेरिज शो कर रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, वन टू थ्री, इधर से भी गिन हो तो वन टू थ्री, दोनों तरफ से ये थर्ड पोजिशन पर ही आ रहा है, इधर से भी गिन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, पाँच कार्बन ही है तो ये क्या होगा, ठीक है, थ्री थ्री ब्रोमो, ये क्या हो गया थ्री ब्रोमो पेंटेन, इसका आईपीएसी नेम क्या हो गया थ्री ब्रोमो पेंटेन। अब कला कहता है क्लासीफाई कीजिए, तो क्लासीफाई क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, इस कार्बन का नेचर क्या है, इस कार्बन का नेचर क्या है, इस कार्बन का नेचर है इस कार्बन से, ये भी कार्बन और ये दोनों कार्बन जो है ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ा हुआ है इससे डायरेक्टली, इसीलिए क्या हो गया सेकेंडरी कार्बन हो, इसलिए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया ये, इसलिए ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो किस क्लास का हो गया ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अभी तक क्या हुआ पोजिशनल आइसोमेरिज लिखे, अभी तक जो भी लिखे पोजिशनल आइसोमर अभी तक चेन में चेंज नहीं किए थे, ये जो तीन लिखे तीनों के चेन में कोई चेंज नहीं था, तीनों का चेन सेम है लेकिन तीनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ये तीनों जो है पोजिशनल आइसोमेरिज शो किया है, ठीक है। ये तो पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा बता दिए, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब आगे का और भी आइसोमर लिखेंगे जिसमें कि चेन में चेंज अब करेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट आइसोमर लिखा है ना इसी में कुछ चेन का चेंज करेंगे और इसको हम लोग चौथा आइसोमर बना देंगे, ठीक है। चौथा आइसोमर कैसे बनाएंगे, ये जो सी एच थ्री है इसको हटा देते हैं, हम पहले हटा देते हैं, प्राइमरी था अभी भी प्राइमरी ही रहे, इस सी एच थ्री को हटा देंगे, इस एच को हटा देंगे, इस एच को अभी रहने देते हैं, ठीक है, इस एच को हटाएंगे और इस सी एच थ्री को हटा, यहाँ जो है छटा है उसको हम यहाँ लिख दिए और यहाँ जो सी एच थ्री हटा है उसको हम यहाँ लिख देंगे, चेन में चेंज हो गया, कार्बन तो अभी भी प्राइमरी है लेकिन ये डिफरेंट आइसोमर हो गया, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, वन टू थ्री फोर, अब म्यूटेंट हो गया, वन टू थ्री फोर, चार कार्बन का चेन हुआ, अब क्या है ये चार कार्बन का चेन हो गया, अब पांच कार्बन का चेन नहीं रह गया, वन टू थ्री फोर, थर्ड पर सी एच थ्री है और फर्स्ट पर डी आर है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल, ये कार्बन नंबर वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया और ये फोर हो गया, ठीक है, हो गया वन ब्रोमो थ्री पर मिथाइल है, थ्री मिथाइल ब्यूटेन, है। लेकिन ये क्लास क्या होगा इसका, क्लास अभी भी प्राइमरी है क्योंकि अभी भी ब्रोमीन इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी अल्काइल है, क्लास क्या हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अभी भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है। तो ये चौथा हो गया आइसोमर जो ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है क्योंकि जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वह प्राइमरी कार्बन है, ठीक है।
अब जो ये सेकेंड आइसोमर लिखे थे इसको हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। इस हाइड्रोजन को उठा हटा देते हैं, यहाँ पर CH3 आएगा और ये CH3 को यहाँ लेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ लेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को उठा के यहाँ लाएंगे और ये CH3 को उठा के यहाँ लेंगे, दोनों का पोजीशन बदल दिया, यहाँ हो गया CH3 और यहाँ हो गया हाइड्रोजन। ये हमारा पांचवा आइसोमर पता चल रहा है, ठीक है ना, ये पांचवा आइसोमर पता चल रहा है। अब देखिए क्या होगा, 1, 2, 3, 4 ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। सेकंड पर ब्रोमो है और थर्ड पर मिथाइल है, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। समझ गए, जो पहला तीन जो आइसोमर लिखे थे उन लोगों के साथ ये चेन आइसोमर हुआ, पहला तीन जो आइसोमर लिखे थे उससे ये चेन आइसोमेरी शो कर रहा है, उस तीनों के साथ ये चेन आइसोमेरी शो कर रहा है, और ये भी जो पहला तीन आइसोमर लिखे थे उससे ये पांचवा नंबर चेन आइसोमेरी शो कर रहा है, चौथा नंबर भी उस तीनों के साथ पहला तीनों के साथ चेन आइसोमेरी शो कर रहा है, पांचवा नंबर जो आइसोमर है ये भी पहला तीनों के साथ चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है ना, और ये दोनों में तो चेन सेम है, दोनों ब्यूटेन ही है, दोनों का चेन सेम है, इसमें सिर्फ पोजिशनल आइसोमेरिज हो रहा है, ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमेरिज शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रोमीन सेकेंड पोजिशन पर है, इसमें ब्रोमीन फर्स्ट पोजिशन पर है, ये दोनों के बीच में अगर चौथा पांचवा के बीच में देखेंगे तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज को शो कर रहा है, क्योंकि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन बदल रहा है, ठीक है, चेन दोनों का सेम, ठीक है। अब इसको क्लासिफाई नहीं किए, क्लासिफाई तो अभी भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये कार्बन जिससे कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन सेकेंडरी है, क्योंकि दो कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, अभी भी ये सेकेंडरी अल्काइल एलाइन भी है, ठीक है, अभी भी इसका क्लासिफिकेशन जो है सेकेंडरी अल्काइल राइट ही होगा, क्योंकि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए ये सेकेंडरी अल्काइल राइट हुआ, ओके। अभी तक हमने पांच आइसोमर लिख लिया, अब हम लोग छठा आइसोमर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, जो थर्ड आइसोमर लिखे हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस एच को हटा देते हैं, यहाँ ले आएंगे CH3 को, यहाँ ले जाएंगे CH3, यहाँ से हटा दिए और यहाँ कर, और यहाँ से एच को हटा करके यहाँ कर दिए, ये हमारा जो है सिक्स्थ आइसोमर तैयार हो गया, ठीक है। इसका नाम बदल जाएगा, क्लास में बदल सकता है, उनका क्लास नहीं बदला था, बदल सकता है, ठीक है। अब देखिए ये कैसा हो गया, अब इधर से नज़दीक हो रहा है ना, ये ब्रोमीन इधर से 1, 2, 3 पे जा रहा है और इधर से 1, 2, 2 पर ही आ रहा है, 3, 4, तो इसीलिए काउंटिंग हम इधर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो सेकेंड पर ब्रोमीन है और सेकेंड पर ही मिथाइल है, पहले तो नाम लिख लें हम लोग, इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, चार कार्बन का ही चेन कर गया ना, तो ब्यूटेन हो गया। अब ये किस क्लास में, ठीक है, किस क्लास में इसको क्लासिफाई करेंगे, किस तरह का है, अब देखें ये कार्बन क्या है, इस कार्बन से अब देखो पहले 2 कार्बन जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है और इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1, 2, 3, ये 3-3 इससे जुड़ा हुआ है, इसके अभी सेकेंडरी कार्बन नहीं रह गया, अब ये हो गया टर्शियरी कार्बन, ये हो गया टर्शियरी कार्बन, ठीक है ना, इसलिए टर्शियरी अल्काइल एलाइड हो गया, ये क्या हो गया, टर्शियरी अल्काइल एलाइड, ये हो गया टर्शियरी अल्काइल एलाइड, ठीक है, क्लियर। तो
तो अब और जो है एक और हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये मिथाइल है, अब इसको फोर को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। फोर को हम मॉडिफाई करेंगे, हटा देते हैं, ठीक है। फोर्थ को क्या मॉडिफाई करेंगे, फोर्थ को मॉडिफाई करेंगे तो ये सेवन आइसोमर हमको मिलेगा। ये दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, सी एस थ्री को यहाँ और एच को, ये दोनों को एक्सचेंज कर, ठीक है। ये दो को यहाँ पर हम लोग एच दे दिए, यहाँ सी एस थ्री। अब ये एक्सचेंज होने से क्या हो गया, नाम बदल गया, नया आइसोमर आ गया, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल आ गया। पहले क्या था, थर्ड पोजीशन पर था मिथाइल, और थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन पर आ गया, तो नाम हो जाएगा वन वन ब्रोमो वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये किस क्लास में है, अभी भी प्राइमरी ही होगा क्योंकि तो इस कार्बन में कोई चेंज नहीं हुआ, ये कार्बन अभी भी एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी भी ये वन डिग्री अल्काइल हैलाइड ही है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है। तो सेवन हो गया। अब हम लोग जो है एट्थ को लिखेंगे, ठीक है, एट को लिखेंगे। और इसी को अब फिर से, अब ये सेवन हो गया हमारा, इसी को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, सेवन को एक बार और मॉडिफाई करेंगे तो हमारा एट मिलेगा, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, इस सी एस थ्री को उठा कर यहाँ ले आएंगे, इस एच को उठा कर यहाँ ले आएंगे, तो सेवन से एट बन जाएगा, ठीक है। ये नाम आप हटा देंगे, नाम तो रहेगा नहीं है, नाम बदल जाएगा क्योंकि नया आइसोमर बनने जा रहा है, इसको हमने हटा दिया, दोनों का एक्सचेंज कर दिया, यहाँ एच दे दिए, यहाँ सी एच थ्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये नया चीज बन गया कि नहीं। अब देखिए सेकेंड, अब जो है प्रोपेन बन गया, एक दो तीन कार्बन का चेंज रह गया, ये प्रोपेन बन गया, अब ब्यूटेन भी नहीं है, प्रोपेन हो गया, चेन चेंज हो गया। जितना भी आइसोमर अभी तक लिखे थे सब के साथ इसका चेन आइसोमेरिज हो गया, इसके पहले सेवन आइसोमर लिखे थे वो सब के सब सेवन आइसोमर इसके साथ चेन आइसोमेरिज शो करेगा, क्योंकि इसका चेन सबसे डिफरेंट है, चेन आइसोमेरिज हो गया, ठीक है। अब देखिए कि नाम क्या होगा इसका, फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन है, सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, दो दो मिथाइल है ना, और तीन कार्बन का ही चेन लेंथ है तो प्रोपेन हो गया, ए टू टू हुआ ना। पहले लिखेंगे वन ब्रोमो टू टू है ना, दोनों ही सेकंड पर ही है ना, टू टू डाय मिथाइल, टू टू डाय मिथाइल, एक दो तीन प्रोपेन, ठीक है। ये आठवां आइसोमर निकल गया, ये नाम हो गया। अब क्या है, ये किस क्लास में आएगा, अभी भी ये प्राइमरी ही है क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए अभी भी ये प्राइमरी ही है, अभी भी ये इसका क्लासिफिकेशन से होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अभी भी ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। तो इस तरह से हमने एट आइसोमर्स को लिख दिया, एट आइसोमर इसका संभव है और हमने एट आइसोमर्स को लिख दिया, ठीक है। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा, यह एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है, खोज लेंगे एनसीईआरटी बुक में तो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, इसमें क्या कर रहा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें बहुत सारा कंपाउंड्स है, देयर आर फाइव कंपाउंड्स, और हम लोग पहला कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। लास्ट डे भी स्ट्रक्चर लिखने के लिए डिस्कस किए थे, अभी जो है हम लोग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखने में क्या करते हैं कि जो आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है उसमें हम लोग पैरेंट चेन का नाम पता करते हैं, उसका पैरेंट कंपाउंड का नाम पता करते हैं,
फिर उसका चेन बना देते हैं, उसके बाद जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसका पैरेंट नेम क्या है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट वाइज सब्स्टिट्यूएंट 2-chloro-3-methyl-pentane, यानी ये 5 कार्बन है। पेंटेन मतलब क्या हो गया, अल्केन हुआ, अल्केन ग्रुप से है, 5 कार्बन है, स्ट्रेट चेन में रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पैरेंट हाइड्रोकार्बन है। पेंटेन क्या है, पैरेंट हाइड्रोकार्बन है। तो पहले पैरेंट चेन बना लेंगे, उसके बाद उसमें सब कुछ को एडजस्ट कर लेंगे। तो 5 कार्बन का 1, 2, 3, 4, 5, तो पेंटेन है मतलब 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। उसका पता है 2-chloro, 2-chloro, यानी सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन होगा। तो अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 मानते हैं, अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5, तो कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन होगा, ठीक है। उसका पता है 3 पर मिथाइल होगा, तो 3 पर हमने मिथाइल दे दिया। उसके बाद और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो सब जगह हाइड्रोजन से भर देंगे हम लोग, जो भी खाली जगह है सब जगह हाइड्रोजन भर देंगे, ठीक है। और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया तैयार, ठीक है, हो गया स्ट्रक्चर हमने, ठीक है। तो हमारे पास जो है IUPAC ने दिया हुआ है, उसका हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ। अगर इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखने के लिए कहेगा तो क्या लिखेंगे, CH3, ये हो गया CH2, ये क्या हो गया CH CH3, फिर क्या है CHCl, फिर क्या होगा ये CHCl, है ना। दूसरे को बैक एंड डाल देते हैं, फिर ये लास्ट में बचा हुआ है CH, ठीक है। ये कंडेंस फॉर्मूला हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रक्चर फॉर्मूला को लिख लिया। अब दूसरे का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे फिर से। सेकंड क्वेश्चन है क्या है, 1-chloro-4-ethyl-cyclohexane, यही है ना। तो इसमें पैरेंट चेन कौन हुआ, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ, पैरेंट चेन यही हुआ। पैरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो पैरेंट हाइड्रोकार्बन साइक्लोहेक्सेन है, पहले साइक्लोहेक्सेन बना देते हैं। साइक्लो मतलब क्या हुआ, क्लोज रिंग हुआ, हेक्सेन मतलब क्या हुआ, 6, यानी जो हम लोग कार्बन चेन बनाएंगे उसमें 6 कार्बन होगा, और साइक्लो दे दिया क्लोज, यानी 6 कार्बन को हम लोग क्लोज रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं 6 कार्बन का क्लोज चेन, ये बन गया 6 कार्बन का क्लोज चेन हो गया। अब कहता है 1-chloro, यानी जिस कार्बन पर हम क्लोरीन डाल देंगे वो 1 हो जाएगा। हम इसको मान लेते हैं कि 1 डाल दिए, ये हो गया 1, कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, तो 4 पर इथाइल दे दिया, 4 हो गया इथाइल। इथाइल क्या होता है, CH2CH3। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखिए, तीसरा है, कह रहा है 4-tertiary-butyl-3-iodohexane, ये सब तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। मेन चेन क्या हुआ, पैरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है, हेप्टेन। पैरेंट का हाइड्रोकार्बन कौन है, हेप्टेन। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन चेन, ठीक है ना। तो 7 कार्बन का चेन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। उसके बाद कहता है कि थर्ड कार्बन पर आप आयोडीन लगाइए। अगर इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो आयोडीन कहाँ आएगा, थर्ड कार्बन पर। आयोडीन कहाँ आएगा, थर्ड कार्बन पर आएगा, ठीक है। तो थर्ड कार्बन पर हमने आयोडीन डाल दिया, थर्ड कार्बन पर आयोडीन डाल दिया। उसके बाद कहता है कि फोर्थ पर डालिए टर्शियरी ब्यूटाइल, तो फोर्थ कार्बन तो ये है, तो फोर्थ पर कह रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फोर्थ पर टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी ब्यूटाइल है मतलब 4 कार्बन है, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक है। कैसे टर्शियरी बनाएंगे, यानी जो कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा रहेगा, तभी टर्शियरी होगा। टर्शियरी कब बनेगा, जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर कैसे देखेंगे, जो मेन चेन से जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन टर्शियरी होना चाहिए। तो इस मेन चेन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे 3 कार्बन जोड़ देते हैं, अब हो गया ये टर्शियरी कार्बन, ये हो गया हमारा टर्शियरी कार्बन।
ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल भी हो गया क्योंकि एक दो तीन चार हो गया। अब जो है हाइड्रोजन से इसको भर दो, हो गया सारा काम, ठीक है। ये हो गया टर्शियरी, हाँ ठीक है, ये है हमारा टर्शियरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। ये टर्शियरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा फोर्थ पोजीशन पर टर्शियरी ब्यूटाइल, ये कार्बन नंबर 4 है, फोर्थ पर ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आया, जो इतना बड़ा ग्रुप है ये टर्शियरी ब्यूटाइल। अब जितना भी खाली जगह है सब जगह हाइड्रोजन भर देंगे, इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ही नहीं, तो सब जगह हाइड्रोजन को भर देना है। हाइड्रोजन भरते जाइए, यहाँ भी बढ़ाएगा ना, ठीक है, कहीं भी 4 बॉन्ड से कम नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना है तो हमारा सही है, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, यही स्ट्रक्चर है, इसी को लिखना है, ठीक है। अगर इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखने के लिए कहेगा तो हम क्या करें, ठीक है, तो बड़ा है ये, ए वाला लिखने में आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये भी लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे इसको, सबसे पहले ये CH3 हुआ, उसके बाद ये CH2 हुआ, फिर ये CH2 हुआ, उसके बाद ये आ गया CH, और CH के बगल में ये इतना बड़ा ग्रुप होगा, इस कार्बन से 3 गो CH3 जुड़ा हुआ है, CH3O3, इस कार्बन से 1, 2, 3 गो CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए ठीक है इनसे जुड़ा हुआ है। फिर आ गया ये CH CHI, ठीक है, बहुत सफिशियंट है, जिसको बैकेट में देना पड़ता है। उसके बाद आ गया CH2, दिया आ गया CH3, ठीक है, ये हो गया कंडेंस फॉर्म। तो कंडेंस फॉर्मूला लिखने का भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 1,4-1,4-diBromo-2EN, मतलब बेसिक चेन क्या है, ब्यूट, चार कार्बन का चेन है, ब्यूट 2EN, चार कार्बन का चेन है और सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 2EN है तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो पहले चार कार्बन का चेन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, उसका कहता है सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, अगर हम इसको कार्बन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मानते हैं तो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसका कहता है कि फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों जगह ब्रोमीन चाहिए, ये फर्स्ट कार्बन हुआ, फर्स्ट पर ब्रोमो दे दिए और फोर्थ पर भी है डाई ब्रोमो, ठीक है, अब कुछ भी नहीं है इसमें दिया हुआ, ठीक है, तो बाकी जगह को हम लोग हाइड्रोजन से भर देंगे। हो गया 4 बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड हो गया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4, हो गया 4 बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा कर देना, 1, 2, 3 और इधर 1। ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। अब इसको कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये पहला होगा CH2 और ये Br जुड़ा हुआ है, बगल में लिख दिए, ये क्या हो गया CH डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया CH और ये क्या है CH2 और इससे जुड़ा हुआ है Br, ये हो गया हमारा कंडेंस, ठीक है, ओके। अब देखिए अब क्या है यहाँ पर, क्या कह रहा है, 1-bromo-4-secondary-methyl-2-methyl-benzene, यानी हमारा पैरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है, बेंजीन, पैरेंट चेन क्या है, बेंजीन, यानी 6 कार्बन का चेन आपको बनाना है, बेंजीन रिंग बनाना है,
वही पैरेंट चेन। ये हमारा बेंजीन बन गया। बेंजीन बनने के बाद कहता है कि वन ब्रोमो, मतलब जिस कार्बन पर ब्रोमीन दे देंगे वो कार्बन नंबर वन हो जाएगा। तो चलो मानते हैं इसको हम लोग ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिए, ये कार्बन नंबर वन हो गया, ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा, ये फाइव होगा, ये सिक्स, ठीक है। कहता है फोर सेकेंडरी मिथाइल टू मिथाइल, टू मिथाइल यानी सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है यानी यहाँ पर मिथाइल होगा, सेकेंड कार्बन ये है, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल हो गया। उसका कहता है फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी ये जो फोर्थ कार्बन है यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो यहाँ पर हम लोगों को सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है, ठीक है। जुड़ गया कार्बन, अब इसको ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा, चार कार्बन, लेकिन है ये सेकेंडरी टर्शियरी नहीं है, यानी सेकेंडरी का मतलब हुआ कि वो कार्बन दो कार्बन से ही सिर्फ जुड़ा हुआ है, तीसरा से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस कार्बन से दो कार्बन जोड़ देते हैं अपने, सेकेंडरी हो गया, एक कार्बन इधर जोड़ दिए, एक कार्बन इधर जोड़ दिए, अब ये कार्बन सेकेंडरी हो गया, ये वाला कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी हो चुका है, लेकिन ये सेकेंडरी तो हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो चुका है, लेकिन दिया हुआ ब्यूटाइल चार कार्बन, एक दो तीन ही कार्बन है, तो इधर या इधर ये कार्बन बढ़ा देंगे, चलो इधर बढ़ा दिए, अब हो गया ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, अब ये हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल, अब खाली जगहों को क्या करेंगे, हाइड्रोजन से भर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा वन ब्रोमो, ये टू मिथाइल हो गया और फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से लिख लिख करके आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आईयूपीएसी नेम आ जाएगा, आईयूपीएसी नेम पर कमांड होना ज़रूरी है, इसलिए इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके ओके डियर, हैव अ नाइस डे।